नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रिजवान अली साबरी, जयपुर टोंक पिजन से। वेलकम टू जयपुर टोंक पिजन। दोस्तों, मैं आज आया हुआ हूँ टोंक, नवाबों की नगरी टोंक, मंसूर भाई के यहाँ। और आज मैं आपको मंसूर भाई के जो कबूतर हैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। तो मंसूर भाई, आप सलाम अलैकुम। पहली जी मंसूर भाई, आप ये बताएं हमें कि आप कितना पुराना शो कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, जरा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप बताइए। भाई, हमारे यहाँ क्या है, बरसों से पहले आ रहे हैं। पहले दादा ने पाल लगे थे, फिर वाले साहब ने पाल लगे थे, तो सबकी शौक चला आ रहा है, वही शौक आज मैं भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे मंसूर भाई, और इनके यहाँ जो है दादा के ज़माने से कबूतरबाजी का शौक़ जो है वो माशाल्लाह चला आ रहा है। तो मंसूर भाई ने जब आँख खोली तो कबूतर देखे घर में, और यानी कि इनके वालिद साहब ने भी आँख खोली तो घर में कबूतर पाए। तो जो आपके वालिद साहब हैं उनका क्या नाम है मंसूर भाई? अनवारुल हक। अनवारुल हक इनके वालिद साहब हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह कबूतरबाजी करी। और दादा का नाम क्या था? मौलवी अल्लाह दिए। मौलवी अल्लाह दिए साहब। अल्लाह दिए साहब। खैर, बहरहाल मैं आपको आज मंसूर भाई के कबूतरों का शौक करवाऊंगा। मंसूर भाई, कौन से कबूतरों का शौक करवाएंगे आप? जी भाई, बाजरे हैं, कलमुए हैं और लाल गंडे वाले हैं। अच्छा दोस्तों, मंसूर भाई के पास माशाल्लाह हर किस्म का कबूतर है। गंडे, लाल गंडे वाले भी हैं और बाजरे कबूतर भी हैं। और जो ख़ास तौर से इनके यहाँ एक ब्रीड है कलमुओं की, मैं आपको सेकेंड वीडियो के अंदर कलमुओं का भी शौक कराऊंगा। कलमुए मुझे बेहद पसंद है, हालांकि मेरे घर पर एक ही जोड़ा है, लेकिन बहरहाल मुझे पसंद है। और इनके पास माशाल्लाह पुराने दादा के ज़माने की जो नस्ल है वो चली आ रही है कलमुओं की, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। तो मैं खैर बहरहाल वो दूसरी उसमें आपको किस्त में दूसरी जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें आपको कलमुओं का शौक़ भी कराऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको शौक़ कराने जा रहा हूँ मंसूर भाई के लाल गंडे और जालदार बाजरे। तो दोस्तों, ये मंसूर भाई हमें दिखा रहे हैं सबसे पहले लाल गंडे वाला जो इनके पास जोड़ा है, ये आप शौक कर सकते हैं इसका। हालांकि ये हाथ में नहीं आते इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जोड़ा, और इसकी आँख का शौक करा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक बार मंसूर भाई, इसका शौक करा दीजिए कबूतर का। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लाल गंडे वाला कबूतर, और माशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन कबूतर है, क्या वजूद है इस कबूतर का। माशाल्लाह एक बार नज़र ठहर जाए तो इधर उधर जाती नहीं है, सिर्फ इसी को देखते रहो आप। माशाल्लाह बेहतरीन, जो अभी मादा थी इसकी वो छोड़ दी, और ये आप देखिए नर। अब आपको दूसरे जोड़े का मैं शौक कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप ये देखिए मंसूर भाई के यहाँ का दूसरा लाल गंडेदार जोड़ा, और आप माशाल्लाह इनका राजस्थानी कबूतरों का साइज़ देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये साइज़ माशाल्लाह बहुत बड़े होते हैं, इन कबूतरों का साइज़ आप देखें। दोस्तों ये एक नया जोड़ा हमें दिखाने वाले हैं मंसूर भाई, और ये जोड़े के बारे में हम इन्हीं से पूछेंगे। मुझे ये ऊदे कबूतर कहे जाते हैं यहाँ पर, ऊदे बाजरे। ये देख सकते हैं आप इस कबूतरी का वजूद, ज़बरदस्त कबूतरी है माशाल्लाह, क्या खूबसूरती लिए हुए है। दोस्तों ये देखिए आप शौक करिए इस जोड़े का, और मैं इसकी ये देखिए आप आँख का शौक करा देता हूँ पास से, करीब से देखिए साहब क्या बेहतरीन जोड़ा है माशाल्लाह। मंसूर भाई ये ऊदे बाजरे हैं ना? जी हाँ, ये ऊदे बाजरे के लाते हैं, ये जालदरों में ही निकलते हैं भाई। अच्छा अच्छा, और ये कासनी जो कहे जाते हैं वो अलग है? ये कासनी ब्रीड अलग है। अच्छा अच्छा, ये ऊदे बाजरे? जी हाँ, ये बाजरों में है, ये बाजरों की नस्ल है। अच्छा, जालदरों में इनमें भूरे बाजरे, ऊदे बाजरे। तो ये आपके घर की नस्ल है मंसूर भाई? ये मेरे घर के ही है। बहुत जबरदस्त मंसूर भाई, और भी होंगे मेरे ख्याल से आपके पास? 8-10 जोड़े हैं, अभी मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ। तो मंसूर भाई ये ऊदे बाजरे कैसे, मतलब किन में से निकलते हैं आप कुछ बताएंगे, या कैसे? भूरे बाजरे होते हैं जालदार, उनके अंदर से निकल के हैं। अच्छा, भूरे बाजरे जो होते हैं जालदार, उन्हीं के अंदर से ये निकलते हैं ऊदे बाजरे। जबरदस्त, बेहतरीन, और ये मैं आपका शौक करा रहा हूँ इनको छोड़ के। ये पैर है ऊदे बाजरे का। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे जोड़ा, और जो अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ऊदे बाजरे का जोड़ा, वो इस जोड़े का ही बच्चा है, मतलब बच्चे हैं, इसी से जोड़ा बनाया हुआ है मंसूर भाई ने। और आप ये देख सकते हैं कि ये किस कलर के मंसूर भाई ने माशाल्लाह इसका वो बिठाया है सेटिंग, और इसकी इससे ये जो इतने खूबसूरत बाजरे निकले हैं,
बताएं मंसूर भाई इसके बारे में भी। जी भाई, कबूतरी जालदार लगा रखी है और ये ऊदी का आपका बाजरा लगा रखा है। अच्छा, तो इससे क्या है कि थोड़ा हल्का कलर हो जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर ही निकल जाते हैं, कोई जालदार निकल जाते हैं तो कोई ऊदे बाजरा निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस जोड़े को देखें, और इससे पहले जो मैंने पेयर दिखाया था वो इन्हीं से बनाया हुआ है। माशाल्लाह लाजवाब पेयर है ये भी, बेमिसाल। इसको भी छोड़ के दिखा देते हैं, छोड़ दीजिए मंसूबा इसको। देख सकते हैं आप इसकी चाल ढाल, बॉडी स्ट्रक्चर, बैठक, सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये देखिए, माशाल्लाह मंसूर भाई के यहाँ के बाजरे वाकई में लाजवाब हैं, बहुत बेमिसाल हैं। यहाँ पर टोंक के अंदर एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं, माशाल्लाह एक से एक कबूतर रखने वाले लोग हैं वाकई में, जिसको कहा जाता है कि शौक़ को बरकरार रखा है और उसको संभाल के रखा है पुरानी नस्लों को, तो वो आपको टोंक के अंदर देखने को मिल रहा होगा। और वैसे तो दुनिया के अंदर सभी शौकीन हैं और हर आदमी अपने हिसाब से संभाल के रखता है, लेकिन आप ये देखें इन कबूतरों को कि माशाल्लाह। और दोस्तों आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर कि ये कबूतर आपको कैसे लगे ये बाजरे, और सबसे बड़ी बात कि आप इनके साइज़ और जो सर है, मगज़ है, इनकी हर चीज़ से आप इसको देख लें, इस कबूतर को देखें। ये ख़ास करके मेरी पसंद का ही कबूतर है और मैं भी इन कबूतरों का बहुत शौक़ रखता हूँ, इन बाजरों का। बेहद खूबसूरत, आप इनका गर्दन का गजरा इस कबूतर का देखें, ये देखिए आप, ये भी मैं आपको छोड़ के दिखा रहा हूँ जोड़ा। दोस्तों ये एक पेयर और देखिए आप, बाजरों का ही एक पेयर है। और सबसे मज़े वाली बात ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये जोड़े किस तरीके से लगाए हैं। आप ये ना समझें कि ये एक जैसे जोड़े बिल्कुल एक कलर में क्यों नहीं है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़े राज की बात है। और जो मैं बात कह रहा हूँ वो लोग समझ रहे होंगे जो समझते हैं कबूतरबाजी में, कि एक जैसा कलर क्यों नहीं लगाते लोग, और इस तरीके के एक डार्क और एक हल्का, तो लोग समझें इस चीज़ को और इनकी खूबसूरतियों को भी समझें। मंसूर भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप ये इस तरीके का जो जोड़ा लगा रहे हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं नए शौक करने वाले हैं, उनको ज़रा आप इसके बारे में बताएंगे कि ये एक डार्क आपने क्यों लगाया है और एक हल्का क्यों लगाया है? भाई ये क्या है, हम लोग मेल देते हैं जी, तो मेल दे के इनको क्या है कि अलग अलग फाड़ते हैं। तो अच्छा, एक बच्चा मतलब कलर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके उससे मेल देते हैं तो उसमें अलग अलग कलर बैठते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या है कलर की चेंजिंग करते हैं उड़ान के चक्कर में इसमें। अच्छा, मतलब उससे मंसूर भाई हमें बता रहे हैं कि उससे उड़ान के हिसाब से इन्होंने ये जोड़े लगाए हैं कि इसके अंदर कलर भी बने और उड़ान भी अच्छी आए, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हर आदमी अपने हिसाब से, अपना अपना मिजाज है, अपने अपनी सोच है, तो हर आदमी अपने हिसाब से जोड़े लगाता है, तो उसी हिसाब से इन्होंने भी अपने जोड़े लगाए हैं। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह जोड़े लगा रखे हैं, जैसा कि आप शौक़ कर पा रहे हैं इन कबूतरों का। देखिए आप, और करीब से मैं इस नर का शौक़ कराता हूँ आपका, और ये नर देखें आप कितना लाजवाब है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप मंसूर भाई के बाजरे, देखिए आप इनकी खूबसूरती, लाजवाब, बेमिसाल। दोस्तों ये एक पेयर मंसूर भाई लेकर के आए, ये उन जो अभी मैंने आपको कबूतर दिखाए, जोड़े दिखाए, उन सबसे हटके है ये, और ये हटके है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको देख सकते हैं। इसकी अगर आपको गर्दन के ऊपर कलर दिख रहा हो, ये होते हैं हरे बाजरे कहलाते हैं, ये भी बहुत पुरानी नस्लों के कबूतर हैं, और इनकी जो गर्दन होती है वो ग्रीन शेड मारती है, आपको दिख रही हो, देखें आप कितने, और ये उड़ान के लाजवाब कबूतर होते हैं। ये देखें आप इसकी गर्दन, बिल्कुल ये हरा कलर कह लो या जो मोर का कलर होता है, वो वाला कलर इनकी गर्दन पर होता है, और इनकी उड़ान भी बहुत अच्छी होती है। मंसूर भाई एक बार आप बताएं कि इनको क्या कहा जाता है? जी भाई इन्हें हरे बाजरे कहते हैं। हरे बाजरे कहते हैं ना? जी हाँ। ये है हरी गर्दन वाले बाजरे, हरे बाजरे, सॉरी। दोस्तों ये देखें आप, मैं इकट्ठे बाहर निकाल के एक साथ आपका शौक करा रहा हूँ मंसूर भाई के कबूतरों का, जो कि इनके जोड़े वाले कबूतर हैं, और देख सकते हैं आप लाजवाब कबूतर हैं माशाल्लाह। ये देखिए आप,
देखिए दोस्तों, ये देखिए बाजरे, लाल गंडे वाले भी हैं इसके अंदर और काले गंडे भी हैं, भूरे भूरे कबूतर भी हैं गंडेदार, और सब तरीके के। एक बार मैं आपको बाहर निकाल के इनका शो करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कबूतर, दोस्तों बस आप ये कबूतर देखते रहिए मंसूर भाई के, और मैं आपको इंशाल्लाह अभी आया हुआ हूँ तो दूसरी वीडियो भी हाथों हाथ शूट करूँगा, और जो कि मैं आपको जो कि मेरे भी शौक के कबूतर हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा कल मुँह है सेकेंड वीडियो के अंदर। तो अभी मैं इसके बाद हाथों हाथ सेकेंड वीडियो भी शूट करने वाला हूँ मंसूर भाई के यहाँ की, जो कि जिनका के मुझे भी शौक़ है और लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो उड़ान के बेताज बादशाह कबूतर कहलाते हैं कलमुह है। लोग हर कबूतरों के अंदर उन कलमुहों का मेल देना पसंद करते हैं ताकि उनकी उड़ान बढ़े। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए इन कबूतरों को, ये कबूतर कैसे हैं। जो बटन है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं आप कि आपको मंसूर भाई के कबूतर कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अलविदा, अल्लाह हाफिज़।